भादव मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो होती है वो अजा एकादशी के नामों से जाना जाता है। वो सब पाप को नाश करने वाली है होती है। जो भगवान हृषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए। समस्त भूमंडल के स्वामी सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी वे चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृप श्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते करते अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते शोक के समुद्र में डूबने लगे। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख नृप श्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया। दोनों हाथ जोड़कर गौतम जी के सामने खड़े होकर सारा दुख समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम जी ने कहा, राजन, भादव के कृष्ण पक्ष के अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है। पुण्य प्रदान करने वाली होती है। इस व्रत को करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के सातवें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्धान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे दुख कट गए। उन्हें पत्नी का सानिध्य, पुत्र का जीवन मिला। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। देव लोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा के अकंटक राज्य प्राप्त हुआ। अंत में पुरजन परिजनों के साथ स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। तो राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तो अजा एकादशी दिन गुरुवार को रखा जाएगा।